So, hey guys, welcome back to our channel. और आज एक बार फिर से हम पोकेमोन एमराल्ड की अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले बार हम विक्ट्री रोड को पार करके एवरग्रेनेड सिटी में आए थे, जहां पर आज हमारी पहली एलीट फोर से बैटल है। देखते हैं हम यहां पर क्या करते हैं। और गाइस, तुम लोग यहां पर देख सकते हो मैंने अपने पोकेमोन्स को ट्रेन किया है। सच में मुझे बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ा। तुम लोग मेरे पोकेमोन्स का लेवल देख सकते हो, काफी अच्छा है। मैं सबसे पहले एजुमेरल को आगे रखने वाला हूं, क्योंकि मुझे तुम सभी की टिप्स आई थी बहुत सारी, तो मुझे पता है। और गाइज, आज मैं नर्जॉय से कहने वाला हूँ, नर्जॉय मुझे बेस्ट ऑफ लक विश करो, मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलो यार, आपकी दुआओं से हम जरूर जीतेंगे। गाइज, मैं आज सच में एक्साइटेड हूँ यार, मैं क्या करने वाला हूँ। चलो यार, जय माता दी, क्या होता है आज देखते हैं, मज़ा आने वाला है यार सच में। ओके, वैसे गाइज मैंने मूव्स में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, जैसे कि बहुत सारे मूव्स मेरे चेंज हो गए हैं। मैं तुम्हें एक और बार दिखा देता हूँ। मैंने जैसे कि सारे एचएम्स हटा दिए हैं, जैसे मैंने बोला था तुम सभी से मैं सारे एचएम हटा दूंगा, तो तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। ओके, ये हमारे इसका मूव सेट है। ओके, ये खुला क्यों नहीं यार, मुझे लगा गाइज मैं थोड़े बहुत ज़्यादा चेंजेस करने वाला हूँ, पर मैंने एक मूव अभी नहीं सिखाया, सारे एचएम्स हटा दिए, बस एक सर्फ रखा है हमारे पास में। तो मैं एक और जल्दी से टीएम सिखा देता हूँ। ओके, वाटर पल्स है हमारे पास में, काफ़ी अच्छा है अगर हम इसे एजुमेल को सिखा दें तो। ओके, ये रहा, क्योंकि इसके पास में एक मूव सीख सकता है, ये एक खाली था। ओके, तो गाइज फाइनली हम चैलेंज करने वाले हैं एलीट फोर के पहले मेंबर को। ओके, वेलकम चैलेंजर, आई एम सिडनी ऑफ द एलीट फोर, आई लाइक दैट यू आर गिविंग मी। ओके, आई गेस यू गिव मी अ गुड मैच, दैट्स गुड, लुकिंग रियल गुड। हाँ भाई, हम कमाल का चैलेंज देने वाले हैं इसे। गाइज, ये हमारी पहली बैटल है सिडनी वर्सेस पोकेवेंचर, देखते हैं कौन जीतता है। सच में आज मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ यार, क्योंकि मेरे पोकेमोन्स का काफ़ी अच्छा लेवल है। ओके, माइटी आना है इसका पहला पोकेमोन, तो इसे हराने के लिए वैसे एजुमेल बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच तुम सभी के टिप्स के लिए यार, मुझे पहले से ही बहुत सारी टिप्स आ गई थी, तो मुझे पता है मुझे कैसे लड़ना है, मैंने पहले से थोड़ा बहुत सोच के रखा है। ओके, हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तुम लोग देख रहे हो। मैंने कहा इस उम्मीद करी थी कि एलीट फोर के ज़्यादा लेवल आने वाले हैं, पर ठीक है, इतना लेवल काफ़ी है। ओके, इसने हाइपर पोशन का यूज़ किया, नहीं सुपर फुल रिस्टोर का, सॉरी, पूरी तरह से इसकी हेल्थ वापस आ चुकी है। ओके, देखते हैं इस बार कितनी हेल्थ जाती है। ओके, बहुत कमाल के तरीके से यार हम खेल रहे हैं, देख रहे हो, बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्थ जा रही है। नो, अटैक मिस हो गया। गाइस, पता नहीं यार हम जीत पाएंगे भी या नहीं, मुझे सच में एक्साइटमेंट है, क्योंकि एमराल्ड की यार सच में बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं, एमराल्ड में बहुत ही डिफिकल्ट है ये जर्नी। ओके, पहले माइटी आने को तो हमने हरा दिया है, नेक्स्ट पोकेमोन इसका कौन सा होने वाला है, कैक्ट्रीन। ओके, इसके लिए हम यूज़ करेंगे अपनी एलिस का, वैसे हम एजुमेल का यूज़ कर सकते थे, क्योंकि उसके पास में आइस टाइप भी अटैक है, तो वो काफ़ी अच्छा कर लेता, पर कोई बात नहीं, हम एलिस का यूज़ करेंगे, बिल्कुल एडवांटेज के हिसाब से खेलने वाले हम, यहाँ हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। और गाइस, तुम लोग देख सकते हो मेरे पास में कितने कमाल के मूव्स हैं, मैंने पूरे चेंजेस करे हैं यार। ओके, फायर स्पिन हो गया है। ओके, कॉटन स्पोर, काफ़ी अच्छा एडवांटेज है यार हमारे पास में इन पोकेमोन्स के खिलाफ में, सारे पोकेमोन्स के। ओके, बहुत ही कमाल का कर रहा है हमारा 90 एल्स यहाँ पर। एलिस, एलिस बॉय है यार, उसका नाम फीमेल वाला है पर एलिस बॉय है, कोई बात नहीं। और आज शायद हमारा सेलेमेंस भी हमें देखने को मिल जाए, आज हमारा पोकेमोन इवॉल्व होगा शायद। ओके, मैंने गाइस उसका इवोल्यूशन रोक दिया था, वैसे तो वो 50 लेवल में इवॉल्व होने वाला था, पर मैंने उसका इवोल्यूशन पहले ही रोक दिया था। ओके, मैं बीस्ट का यूज़ करके देखता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट पोकेमोन के लिए, कैसा करता है हमारा बीस्ट यहाँ पर, वैसे तो काम आने वाला है। एब्सोल के लिए मैंने इसके ऐसे ही रखा था। ओके, हमारे पास में आयरन टेल भी है। गाइस, तुम लोग देख सकते हो मैंने सारे एचएम हटा दिए हैं यार, इससे बीस्ट के सारे एचएम्स हटा दिए हैं, और उसे काफ़ी अच्छे मूव सिखाए मैंने, जैसे अर्थक्वेक और भी बहुत सारे, तुम लोग देख सकते हो, मतलब पूरी तरह से मैंने पहली तैयारियाँ कर ली हैं। ओके, नेक्स्ट पोकेमोन जो आने वाला है उसके लिए मुझे इसी का यूज़ करना चाहिए शायद। ओके, काफ़ी अच्छा कर सकता है हमारा बीस्ट यहाँ पर, उसके पास में काफ़ी अच्छा एडवांटेज है, पावर भी बहुत हमारे बीस्ट में, देख रहे होगा इस एक एक अटैक में। ओ, नॉट इफेक्टिव, नहीं यार ये तो सुपर इफेक्टिव होगा हमारे ऊपर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई, एक बार में इतनी सारी हेल्थ, ये क्या हो रहा है। ओके, मैं थंडर बोल्ट का यूज़ करने वाला हूँ, मैंने इसी के लिए स्विच किया था, और मैंने पता नहीं कौन सा अटैक यूज़ कर दिया, पर कोई बात नहीं। ओके, नाइस, पहली हम अगर इसका यूज़ कर देते ना तो एक बार में उसकी पूरी हेल्थ चली जाती, पर थैंक गॉड हमने उसे हरा दिया है। ओके, शिफ्टरी आने वाला है, शिफ्टरी के लिए आई थिंक मुझे यूज़ करना चाहिए अपने एलिस का। ओके, एलिस इसे संभाल सकता है। ओके, लास्ट पोकेमोन है गाइस, हम बहुत ही अच्छी तरीके से जीत गए हैं यार, मतलब पहली बैटल तो बहुत ही सही चली गई,
मैंने उम्मीद नहीं करी थी इतने अच्छे तरीके से जाने वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब ये तो खत्म हो गए सारे एलीट फोर। ओके डन डन। बहुत ही कमाल का किया ये हमारे पोकेमोन्स ने, सारे पोकेमोन ने बहुत कमाल का किया। तो गाइस यार हमने फाइनली सिडनी को हरा दिया है पहले एलीट फोर को। वाओ बहुत ही अच्छा मैच था यार, वाट लगा दी हमारे पोकेमोन्स ने। वेल लिसन टू व्हाट दिस लूजर हैज टू से। ओके भाई ये काफी अच्छा बंदा है, अपने आप को लूजर भी कह रहा है। यू गॉट दैट, यू गॉट व्हाट इट टेक्स टू गो फार। ओके नाउ गो ऑन द नेक्स्ट रूम एंड एंजॉय योर नेक्स्ट बैटल। अच्छी बात है। तो गाइज हमने पहली बैटल तो जीत ली है यार बहुत ही कमाल के तरीके से। देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है। मैं सच में एक्साइटेड हूँ। तो तुम्हारे पास में अगर कोई टिप्स हो कि आगे कौन सा आने वाला है तो मुझे कमेंट्स बताओ कौन से पोकेमोन सबसे ज़्यादा काम आएंगे। और इस वीडियो को लाइक कर देना यार, आज हमने बहुत ही कमाल के तरीके से इस बैटल को जीता है तो यार लाइक तो बनता है। और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे सेकंड एलीट फोर को, तो उसके लिए एक्साइटेड रहना। तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।